उसके बाद क्या करना है कि हमने यहाँ पे ड्राइंग बनाई, जैसे भी हमें ड्राइंग दे रखी है उस हिसाब से हमें ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, लाइन लेनी है, ठीक है। लाइन लेने के बाद इस तरीके से ये पेपर में लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। पेपर में लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आप इतनी ही लाइन चाहिए आपको तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जिट कैसे करोगे, एस्केप करके आप बाहर निकल सकते हो इससे, ठीक है। तो एस्केप किया, एस्केप करने के बाद ये बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है। एस्केप तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। अब मान लो मुझे ये लाइन चाहिए थी बिल्कुल सीधी हॉरिजेंटल या वर्टिकल, ठीक है। तो आपने क्या करना, सीधा इस पर क्लिक करना है और ये रिलेशन आएगी वर्टिकल की और ये की हॉरिजेंटल की, ठीक है। तो ये आपने हॉरिजेंटल कर दिया, ठीक है। ओके ओके करने के बाद अभी ये सिलेक्टेड हुई पर ये लाइन, ठीक है। तो आपने क्या करना, एस्केप। अब दोबारा से क्या करना है, अब ये लाइन जो है इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है वो हमें चाहिए 35 डिग्री का या 40 डिग्री का, ठीक है। तो स्मार्ट डायमेंशन पे ही क्लिक करेंगे, दोनों लाइनों पे क्लिक कर देंगे, जस्ट दोनों लाइनों पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे एंगल आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है, तो इसको आपने 40 अपने अपने अकॉर्डिंग आपने ये डाल देना है एंगल इसमें, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें क्या करना है, ओके कर दिया, ठीक है। अब हमने बस लाइन दे रखी है और ये एंगल दे रखा है, इसकी जो लेंथ वगैरह है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो लेंथ वगैरह डिफाइन नहीं है, तो इसकी भी लेंथ वगैरह डिफाइन नहीं है, तो हमने स्मार्ट डायमेंशन यूज करनी है। और यहाँ पे ये यहाँ पे क्लिक करके ये 90, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके ये 50, जितनी भी हम देना चाहते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये लेंथ वगैरह आ जाएगी, ये हम पहले भी दे सकते हैं, बाद में हम एंगल दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। अब क्या है इसमें, अब ये पूरी डिफाइन हो गई है। अब जैसे मान लो मैं इसमें ये एंगल का जो पोर्शन है हटा देता हूँ, तो लेंथ तो इसकी डिफाइन है लेकिन ये जो ये रोटेशन है ये डिफाइन नहीं है इसकी, ठीक है। एंगल इसमें डिफाइन नहीं है, तो इस तरीके से ये फ्री हो रखी है पूरी। तो ये चीज इसमें बताना चाह रहा था। अब इसमें क्या है कि एक पोर्शन आता है टेंजेंट का, जैसे लाइन हमें टेंजेंट डालनी हो किसी सर्कल पे या आर्क पे, तो फिर कैसे हम डालेंगे, या कोई सर्कल डालना हो टेंजेंट, ठीक है। तो इसको हम इसमें करके देखेंगे अभी, तो सर्कल ही देख लेते हैं पहले। तो इसकी डायमेंशन मैं वही कर देता हूँ 50, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बताना चाह रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अभी जिनका भी कनेक्शन नहीं हुआ है वो या कोई प्रॉब्लम आ रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अलाउ कर दूंगा दोबारा। अब कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वो अपना नेट वगैरह चेक कर ले, क्योंकि तो बाकी बच्चे तो कनेक्ट हो रहे हैं, अगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सभी को अलाउ कर रखा है, या तो उन्होंने और दूसरा लिंक खोल लिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे मुझे एक सर्कल चाहिए जो इस पे भी टच रहे, इस पे भी टच रहे, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ पे सर्कल पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया ये वाला बस, ठीक है, रफली बनाया है। तो ये सर्कल बनाने के बाद अब क्या करना है हमें, एस्केप। अब देखो ये सर्कल जो है ना, इसकी रेडियस वगैरह डिफाइन है,
ठीक है, और ना ये टेंजेंट है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, कंट्रोल दबा के रखना, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। दोनों पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है टेंजेंट का, यहाँ पे टेंजेंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया इसके साथ, ठीक है, टच होके जाएगा। इसकी रेडियस वगैरह डायमीटर वगैरह डिफाइन नहीं है, इसलिए ज्यादा कम बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी जगह भी हम इसको टेंजेंट कर देते हैं, कंट्रोल दबा के रखना है जो आपके कीबोर्ड में होता है। कंट्रोल दबाने के बाद इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो। अब कंट्रोल से हाथ हटा लेना है और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, अगर यहाँ पे नहीं आता है ऊपर इसके, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गया अभी, ठीक। तो इसमें ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, अब इसमें देखो यहाँ पे टेंजेंट तो है, ये देखो टेंजेंट है, टच होकर जा रहा है दोनों लाइनों से, लेकिन यहाँ पे ये रेडियस डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो रेडियस हमें देनी पड़ेगी, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, और ये यहाँ पे हमने डायमीटर दे दिया इसमें 20, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, ये इसका डायमीटर दे दिया, डायमीटर देने के बाद अब देखो ये हमने लाइन पे टच किया है, अब कोई लाइन हमें सर्कल पे टेंजेंट देनी है फिर कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब ये चेक करेंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही आपको देना हो, जैसे मान लो मैंने ये पोर्शन बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये आगे हिस्सा हटाना है, ठीक है, और ये हिस्सा हटाना, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसकी डायमेंशन हमें देनी पड़ेगी, या अगर मैं एक पोर्शन बनाऊं इस तरीके से, देखना एक मिनट आप। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लाइन लेनी है, लाइन लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और ये हमने तो अभी लाइन बना दी मैंने। लाइन बनाने के बाद क्या करना है, एक आर्क लेनी है, ठीक है, और ये मैंने आर्क ले ली, ठीक है। अभी ये बताऊंगा, अभी बताया नहीं आर्क का प्रूफ। लाइन ली दोबारा और ये भी सीधी लाइन ले ली, ठीक है, ये वाली, या इस तरीके से ले लेते हैं थोड़ी टेपर, ठीक है। तो अब करना क्या है कि जो भी इसकी लेंथ है उतनी ही रखता हूं मैं, ज्यादा नहीं रखता, ये होगी इतनी इसकी लेंथ, ओके। इनके बीच के एंगल भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इतना ही। इतना करने के बाद अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखना है और यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो इनके बीच में टेंजेंट रिलेशन लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट, और यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी टेंजेंट रिलेशन लगा सकता हूँ मैं। एस्केप किया, कंट्रोल दबाया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और ये टेंजेंट हो गया। तो अभी क्या करना है, टेंजेंट हो गया, टेंजेंट करने के बाद अब इसमें क्या करना है, एस्केप कर दिया,
ठीक है, सॉरी यहाँ से पहले ओके कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट रिलेशन लगा दिए, तो हम ये अलग से बना सकते थे, सर्कल बना के टेंजेंट कर सकते थे, या हमने आर्क को, आर्क पे क्लिक किया, लाइन पे क्लिक किया, इस तरीके से टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आप धीरे धीरे करने लगोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशन किस तरीके से लगाई जाए। ठीक है, बाकी हम ड्राइंग बनाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग बनाने के बाद हम बाकी जो उसको कन्वर्ट करना होता है, रिवॉल्व करना होता है, एक्सट्रूड करना होता है, वो तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन हमें जो बेसिक जो पोर्शन है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या करना हमें, अब देखो ये पूरी डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये पूरी डिफाइन नहीं है अभी, तो अभी क्या करना है हमें, इसकी लेंथ अभी डिफाइन नहीं है, तो इसकी लेंथ दे देते हैं यहाँ पे, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और ये ओके कर दिया। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो दे दिया यहाँ पे, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये पूरी डिफाइन हो गई है, ओके। ठीक है, इतना कर दिया। अब हम अलग से करके देखते हैं कि हमने एक सर्कल पे दूसरा सर्कल टेंजेंट करना हो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया और यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब देखना है इसमें रिलेशन भी काम करेंगे इसमें। ये पोर्शन जो है ये छोड़ देना है आपने, एक मिनट। ठीक है, तो ये चीज करनी है हमें, इसमें जो ऊपर वाला सर्कल है वो नीचे दो सर्कल जो दे रखा उस पे टेंजेंट करना। ठीक है, तब कैसे करेंगे देखो, कंट्रोल दबाया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और ये टेंजेंट। ठीक है, एस्केप, उसके बाद इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और ये टेंजेंट। लेकिन जो ये सर्कल अभी मूव होके गया है उधर, ठीक है, ये नहीं जाना चाहिए था, ये अपनी जगह पे रहना चाहिए था। कंट्रोल जेड करके देखेंगे दोबारा, देखो इस कंट्रोल दबाया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे टेंजेंट पे क्लिक किया, तो ये सर्कल मूव होके जा रहा होता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें रिलेशन लगाएंगे कि इनको हमें बराबर करना है, इन दोनों सर्कल को एक लाइन के अनुसार रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। तो आपने कंट्रोल दबा के रखना है, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया और ये हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दिया। अब इसमें क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल रिलेशन लग गया। ठीक है, तो अब ये जो वर्टिकल में नहीं जाएगा, चाहे आगे पीछे चला जाए लेकिन वर्टिकल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, कंट्रोल दबाना है, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और ये टेंजेंट। ठीक है, अब देखो ये अपनी जगह से नहीं हटा है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, डिफाइन करना जरूरी होता है, तो स्मार्ट डायमेंशन से करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक किया और ये बना दिया हमने 40 का। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने दे दी 60। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये 40 का सर्कल है और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर्कल और ये सर्कल दोनों बराबर हो जाए, एक समान हो जाए। तो एक समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिलेशन है इक्वल टू की वो हमें रिलेशन लगानी पड़ेगी। तो कंट्रोल दबाया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक इक्वल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दिया इक्वल, तो ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका डायमीटर और इसका डायमीटर सेम हो जाए। अब इसका डायमीटर तो दिया नहीं है, तो इसका डायमीटर मैं अपनी तरफ से करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 40। ठीक है, 40 आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ओके। ठीक, अब यहाँ पे या इसको अलग कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कर दिया 25, एंटर। ठीक है, कंट्रोल दबाया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और ये टेंजेंट का ऑप्शन ये रहा। ठीक है, और इस पे टेंजेंट पहले से हो रखा है। ठीक, तो उसके बाद क्या करना है हमें, तो नीचे की तरफ भी टेंजेंट करना है, तो नीचे की तरफ भी आप, एक मिनट,
तो नीचे की तरफ भी हम सर्कल बना के ऐसे ही टेंजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट का सीन है इसमें। अब जैसे लाइन हमने ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करके और कंट्रोल दबाया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो ये टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम टेंजेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये टेंजेंट रहेगी लाइन इसके साथ, ठीक। तो अब हमें क्या करना, अब हमें देखने स्लॉट इसमें, ठीक है। काफी इजी होते हैं, जो जैसे मान लो कि मुझे कोई स्लॉट बनाना है, ठीक है। तो इस पे ही एग्जांपल दे देता हूँ मैं। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे अब सर्कल बनाते हैं हम। सर्कल पे क्लिक किया, ये सर्कल बना दिया, ठीक है। ट्रिम करेंगे अब, ये ट्रिम। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग गया इस, तो इसमें शॉर्ट चीज होती है थोड़ी, तो इनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। एक मिनट, ये मैं से ये स्लॉट पे क्लिक करेंगे तो इसमें काफी तरीके के स्लॉट दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट स्लॉट से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, पहला पॉइंट कहीं भी दे सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया और ये ऊपर की तरफ ड्रैग। तो इस तरीके से इजीली हम स्लॉट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद इसकी डायमेंशन तो हमें देनी पड़ेगी, डायमीटर और लेंथ हमें देना पड़ेगा इसमें, बस और कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके किया, ओके करने के बाद अब इसमें डायमेंशन देनी है, तो डायमेंशन पे क्लिक करो और ये यहाँ से डायमेंशन दीजिए, ठीक है। ये डायमीटर दिया या रेडियस, ओके, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना और ऑटोमेटिक हमारा जो है बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही इसमें नीचे की तरफ देखोगे ये दे रखा है, ठीक है। नीचे की तरफ जो है ये दे रखा है यहाँ पे सेंटर पॉइंट वाला, सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। सेंटर पॉइंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे साइड में बनाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और ये देखो ये दोनों तरफ बढ़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है, सेम ही है। ऐसे ही इसकी डायमेंशन देनी है और रेडियस की बतानी है इसकी, और ओके कर देना, डिफाइन हो जाएगा ये पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। उसके बाद इसमें नीचे की तरफ आएंगे, थ्री पॉइंट आर्क स्लॉट। इसमें क्या है कि पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया और तीसरा पॉइंट दिया कहीं भी, और ये स्लॉट बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी। जैसे कि इसको मैंने हॉरिजॉन्टल करना है, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और ये एक मिनट, ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी हमारे डायमेंशन लेनी है और जो भी इसमें वैल्यू दे रखी है हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये रेडियस है, ठीक है, तो ये रेडियस दे दिए इसमें, बाकी जो सेंटर इंस्ट्रक्शन लाइन है उस पर हम रेडियस दिखा देते हैं, ऊपर वाली दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये रेडियस दे दी, ठीक है, ओके किया। अब देखो इसका सेंटर जो है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये वाला, ये वाला। तो और इसमें एक और चीज है, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इनके बीच में कितना एंगल है वो भी डिफाइन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है, और इस तरीके से लाइन लेके हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन जैसे ये डैश में है उसी तरीके से हमें ये भी लेनी पड़ेगी इसमें कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके और ये कंस्ट्रक्शन, अब इनके बीच में हम एंगल दे देंगे, तो एंगल देने से क्या होगा, इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा,
ठीक है, ओके ओके करने के बाद यहाँ से ओके। अब देखो मैं मूव करूंगा ना, अब ये इसकी शेप वगैरह चेंज नहीं हुई, ठीक है, पूरी तरीके से डिफाइन है, क्योंकि इसका सेंटर जो है वो डिफाइन नहीं। अगर वो सेंटर डिफाइन होगा इसके साथ, ओरिजिन के साथ, तो वो फुल पूरी जो फुल्ली डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये करके देखते हैं, इसको कंट्रोल दबाया, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया ओरिजिन पे, और ये हॉरिजॉन्टल की रिलेशन लगा दी, ठीक है। अभी भी नहीं है, अभी भी पूरा डिफाइन नहीं हुआ है, क्योंकि ये ऐसे मूव हो सकता है, ठीक है। तो इसके बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, अभी वैल्यू देनी पड़ेगी इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे, ये वाली और ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें ये अपने तरीके से देनी होती है, कभी कभी जरूरी नहीं है कि सारी की सारी डिफाइन हो जाए दो या तीन डायमेंशन देने के बाद, ठीक है, तो हम अपनी तरफ से भी देनी होती है। तो ये अभी फुल्ली डिफाइन होगी, ठीक है, तो इतना करेंगे इसमें। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, दोनों सेम ही है ये, ठीक है। ये क्या है कि ये सेंटर से शुरू होगा और कुछ नहीं, ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो सेंटर पे क्लिक किया था, ऊपर की तरफ क्लिक किया था, अब ये दूसरा क्लिक मांगेगा तो दूसरा क्लिक कर दो आप, ये यहाँ पे क्लिक किया और अब ये स्लॉट बन गया, बस। अब डायमेंशन उसी तरीके से देंगे, ठीक है, सारी की सारी, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, एक आता है पोर्शन मिरर, ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ, मिरर कॉपी वगैरह। तो यहाँ पे पहले कोई प्रोफाइल बना लेते हैं, रेक्टेंगल में काफी तरीके की होती है, ये बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है, दो ही बताए थे मैंने इसमें। तो कॉर्नर रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने कोई ये शेप बना ली, ठीक है, और यहाँ पे ये सर्कल बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ठीक है, ओके। अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा इसे, ठीक है, तो ऐसे ही करके देखते हैं। अभी लाइन पे क्लिक किया, तो अभी क्या करना है, ये लाइन मुझे क्या करनी है, ये बीच में बनानी, ठीक है। अगर मुझे मिरर करना है तो ये बीच में बनानी पड़ेगी, और ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या नहीं करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बन गया, अब यही चीज मुझे सेम उधर भी चाहिए राइट साइड, तो दोबारा तो बनाऊंगा नहीं मैं, तो इसको मिरर कर दूंगा। तो मिरर की जो कमांड है वो यहाँ पे आएगी ऊपर की तरफ, इसमें मिरर, मिरर एंटिटीज, इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है एंटिटीज टू मिरर, ठीक है, मतलब क्या है, लाइन वगैरह को जो जो लाइनों के द्वारा ड्रा करिए आपने, या सर्कल वगैरह यूज करके ड्रा करिए, तो उसको आप सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं, एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हो, या पूरी विंडो बना के भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉपी पे क्लिक रहेगा तो बताते हैं ये क्या काम करता है इसमें। अब ये कह रहा है किसके अबाउट में मिरर करना, तो यहाँ पे क्लिक करके, क्लिक करना पड़ेगा, और फिर आपने लाइन सेलेक्ट करनी है, तो ये इस तरीके से मिरर हो जाए। कॉपी पे अनटिक रखोगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे बनेगा तो सही यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ओके। देखो यहाँ से हट गया, इधर आ मिरर हुआ है, लेकिन वो जो ओरिजिनल चीज थी वो हट गई। अब मुझे वो भी चीज चाहिए होती तो क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके, एक मिनट, कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर पे क्लिक किया, मिरर पे क्लिक किया और ये पूरा सेलेक्ट किया, और कॉपी पे क्लिक करके रखते हैं इस बार, और मिरर, और यहाँ, और ओके। तो ये दोनों चीज रहेंगी फिर ये, ठीक है, मिरर कमांड लग रखी है इसमें। अगर आप एक को चेंज करोगे दूसरी भी चेंज होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मिरर में क्या है कि जो यहाँ पे सेम रहेगा वो ही यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन बस उल्टा रहे, ठीक है। तो ये मिरर कमांड है इसमें। उसके बाद इसमें ऑफसेट है, ऑफसेट मैंने बता दिया था, ठीक है, तो ऑफसेट में एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तो ऑफसेट का यूज हम काफी तरीके से कर सकते हैं, कोई ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए या कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, और ये सर्कल बनाया, सॉरी ये डायमेंशन दी यहाँ पे 100,
ठीक है। अब मुझे ऑफसेट देने हैं 10 10 के और 5 सर्कल चाहिए, मतलब 10 10 की गैप बनती चली जाए सर्कल के बीच में और 5 सर्कल बन जाए। तो हर बार मैं क्लिक करके सर्कल तो बनाऊंगा नहीं, फिर उसकी डायमेंशन देनी पड़ेगी मुझे 110 फिर 120 इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करता हूँ, ऑफसेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और बाहर की तरफ क्लिक कर देता हूँ। तो ये 10 का गैप आ रहा है एक साइड का, ठीक है, एक साइड का गैप है 10 का। अगर 5 का करूंगा तो क्या होगा, अब देखो ये एक साइड का गैप जो 10 का है इसको मैं 5 का करता हूँ, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो 5 का ऑफसेट कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना होगा, अब ये 105 तो होगा नहीं इसका डायमीटर, क्योंकि वो नीचे से भी और ऊपर से भी गैप जो है वो काउंट होगा। अब देखो डायमीटर चेक करते हैं इसका, अभी 110 आ रहा है, 105 नहीं आएगा, ठीक है। अब ये ओवरलैप हो रही है डायमेंशन, क्योंकि वो यहाँ पे ऑफसेट हम दे रखे हैं, हमने दे रखा है ऑफसेट, तो इसलिए दोबारा डायमेंशन नहीं होगी। एक जो डायमेंशन डिफाइन हो गया वो दोबारा डायमेंशन देंगे, वो ओवरलैप होगा मतलब बनेगी नहीं वो डायमेंशन, ठीक है। तो दोबारा ऑफसेट देंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इस तरीके से हम ऑफसेट देते चले जाएंगे। अब ये 10 का ऑफसेट लगा इस पर, ठीक है, यहाँ पे ये फिर 10 का, और फिर क्लिक करोगे यहाँ पे ऑफसेट और ये फिर 10 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है, और भी काफी सारे यूज है, तो फिलहाल अभी इतना ही इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ, डिलीट, ठीक है। और जैसे मान लो कोई भी चीज आपने बना रखी है, जैसे कि ये चीज बना रखी है, ओके कर रखा है, ठीक है, तो ये आपकी टिल्ट वगैरह हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो आप सीधा कैसे करोगे, डायरेक्ट आपने स्पेस बार दबाना, ठीक है, कुछ नहीं करना। वैसे करने से तो यहाँ से भी हो जाएगी, इस तरीके से करोगे, सॉरी यहाँ पे व्यू दे रखा है इस जगह, ठीक है, यहाँ पे इस जगह, यहाँ से भी हो जाएगी, लेकिन ये आपने नहीं करना, आपने सीधा स्पेस बार दबाना है और यहाँ से ये सीधा इस पे क्लिक कर देना, ये नॉर्मल, बस इतना करने के बाद ये सीधा हो जाएगा आपके सामने की तरफ, ये ऑर्थोगोनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, मतलब 90 डिग्री कौन बनाएगा आपके आगे सामने की तरफ, ये ठीक है फ्रंट में आ जाएगा बिल्कुल। तो ये स्पेस बार दबाना है और सीधा आपने नॉर्मल टू कर देना, ठीक है। तो अभी इतना ही इसमें, और आई थिंक ये चीज वीडियो में हो रखी है, जो वीडियो भेजी थी, ठीक है, अगर नहीं हो रखी है तो आगे का जो वीडियो है उसका लिंक मैं भेज दूंगा, और एक बार वो ध्यान से देख लेना वीडियो, और फिर शायद एक और क्लास हो आपकी, क्योंकि इसमें लीनियर स्केच पैटर्न, सर्कुलर स्केच पैटर्न, और इसमें एलिप्स वगैरह, टेक्स्ट और पॉलीगन, ये कुछ चीजें रहेगी हैं। तो इन चीजों को करने के बाद फिर हम 3D में आएंगे, ठीक है, 3D पे काम करेंगे। अगर हमें ये बेसिक हमें अच्छे से आता है तो 3D हमारे लिए रहेगी आसान बिल्कुल। अगर हमें यही चीज नहीं आती है 2D वाली, तो 3D हमें किसी भी कीमत पे समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और ग्रुप में आपने अपना नाम और पिताजी का नाम लिख के भेजना है, ठीक है। अभी आप लीव कर सकते हो, मैंने अटेंडेंस और स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, और ग्रुप में जरूर भेजना है नाम लिख के। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।